बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाई हूँ आप साथ में, आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। भाई कल से एक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो एक ट्वीट गर्दश कर रही है जवाहरात की तरफ से, जो न्यू बाई कानून आ चुका है। बहुत से बंदे इसके मतलब आपके साथ वीडियो भी शेयर कर चुके हैं, खासकर टिकटॉक के ऊपर। मैं देख रहा हूँ कुछ एक खास बड़े टिकटॉकर भी इसके मतलब वीडियो बना रखे हैं और वो बता क्या रखे हैं। अच्छा, कल ये मैं जब ये ट्वीट देख रहा था, कल से ये यानी कि ट्वीट की जा चुकी है, तो उस टाइम मैं देख रहा था कि यहाँ पर नीचे ना 911 और 999 लिखा हुआ था, यानी कि जो नंबर होते हैं इनके इमरजेंसी के कॉल के ऊपर, जिनके ऊपर भाई आप कोई भी गैर कानूनी बंदा देखते हैं उसके मतलब बताने के लिए। तो मैं उसी के मतलब कोई ट्वीट देख समझ रखा था, लेकिन जब भी मैं इसकी डिटेल में गया हूं तो मुझको भी समझ आई है। बहरहाल ये जो बड़े टिकटॉकर थे ये आपको क्या बता रहे थे, इसमें कितना सच है कितना झूठ है वो आपको क्या बता रखे थे ये भी आपको बताता हूं मैं, और इस ट्वीट का असल मकसद क्या है। जवाहरात ने इसको भाई इंग्लिश, फिलिपिनी जुबान में, हिंदी जुबान में, उर्दू जुबान में भी इसको ट्रांसलेट करके अपने पेज के ऊपर शाया कर दिया है कि तमाम तर बंदे इस चीज को अच्छे से समझ लें। यहां पर आपको मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर ये दिखा भी रखा हूं, आप भाई खुद से देख लें, फिर हम थोड़ी डिटेल इसके मतलब बात करते हैं। आप भाइयों को इससे कोई परेशानी होने वाली है या नहीं होने वाली है, या किन बंदों को होने वाली है जी। ग्रामा मालिया तस्तर अल 50,000 रियाल जी, ठीक है। नंबर दो पर लिखा हुआ सज्जन मोहद्दत तस्सल अल सितशारा जी। नंबर तीन पर लिखा हुआ तरहील, ठीक है जी। यानी कि तीन चीजें लिखी हुई हैं, पहला है जी 50,000 रियाल फाइन, दूसरा है जी 6 माह की कैद, तीसरा है जी तरहील, यानी कि जलावतन बोल रहे हैं, मुल्क बदर बोल रहे हैं, यानी कि जब आप पकड़े जाएंगे ये 6 माह कैद, 50,000 रियाल जुर्माना, उसके बाद आपको सऊदी अरब से निकाल दिया जाएगा और उस टाइम तक यानी कि ताहियात के लिए बैन कर दिया जाएगा। ये किस चीज के ऊपर, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अभी देख रखे होंगे, जिसमें लिखा हुआ अल वाफर अल जई अमल हिसाब खास तत्वक बहक अकबात अल तालिया, ठीक है जी। ये तो हमें अरबी पढ़ दी जी, मैंने आपके साथ मुझको जितनी की समझ आई उतनी की आपको आगे होगी, लेकिन इसको उर्दू में भी मैं अभी आपको बताता हूं। और जो बड़े टिकटॉकर थे वो आपको क्या बता रहे थे वो भी आपको बताता हूं जी। तो यहां आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जी, इसको उर्दू में जो ट्रांसलेट करके नशर किया गया है। गैर मुल्की अफराद जो अपने खुद के लिए कारोबार करता है वो मुजज्जा ज़ैल सजाओं के ताबिया होगा। गैर मुल्की फर्द जो अपने खुद के लिए कारोबार करता है, गैर मुल्की फर्द जो अपने खुद के लिए कारोबार करता है, मैं ये बार बार पढ़ रहा हूं आपको समझाता हूं अभी बात। 50,000 रियाल तक का फाइन, 6 माह कैद, डिपोर्ट, वही चीज जो मैंने आपको बता दिया आगे पहले, फिर इस चीज को रिपीट कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे भाई कल से बहुत परेशान है, क्योंकि सैकड़ों की भाई हजारों की तादाद में यहां पर ऐसे मेरे भाई मुकीम हैं। गैर मुल्की फर्द जो अपने खुद के लिए कारोबार करता है, ठीक है जी। बड़े टिकटॉकर हमको ये बता रहे थे कि कोई भी ऐसा बंदा सायक है, सायक मंजिली है, कोई आजाद बंदा है, किसी कफील के बगैर काम कर रहा है, किसी कंपनी के बगैर काम कर रहा है, किसी और जगह काम कर रहा है, जो जब भी पकड़ा जाएगा उसके ऊपर 50,000 रियाल का फाइन, 6 माह कैद, उसके बाद रिपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है जी। ऐसे बता रखे थे भी, आप अपनी कंपनी कफील के अलावा कहीं भी काम करते हुए पकड़े गए तो आपको रिपोर्ट, 50,000 का फाइन, 6 माह की कैद है। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, फिर से मैं आपको यह ट्वीट दिखा रहा हूं। गैर मुल्की फर्द जो अपने खुद के लिए कारोबार करता है भाई, वो बंदे, अच्छा ये जो मैंने आपको बता दी है, मैं आपको बताता हूं अभी, वो बंदे गैर मुल्की जो भाई आपको पता है जी, जो कि शो करवाने पड़ते हैं यहां पर रियाल अपने कारोबार के लिए, बल्दिया की परमिशन लेनी पड़ती है, उसके अलावा बल्दिया खुद से आपका महल, आपका वो कारोबार खुद से चेक करके जाती है। इन चीजों को छोड़कर, अपने कफील को छोड़कर, अपनी कंपनी को छोड़कर, अपना खुद से को काम कर रखा है, जब वो पकड़ा गया उसके ऊपर 50,000 का फाइन, 6 माह की कैद और डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जो बताया आपको जा रखा है कि सायक खास, सायक मंजिली वगैरह और जात बंदे जो कफील वगैरह काम कर रहे हैं, वो जब पकड़ेगा उनके ऊपर भी ये कानून लागू होगा। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, खुद का कारोबार करते हुए जब कोई पकड़ा गया, अच्छा इसमें होगा क्या, जो मेरे भाई सायक खास है, सायक मंजिली है, जो कफील के बगैर काम कर रहे हैं, अगर आप खुद से कोई काम कर रखे हैं अपना खुद से, चाहे सब्जी वाली आपने एक रेड़ी ही क्यों नहीं लगाई हुई है, तो आप भी पकड़ेगा तो आपको भी यही सजा आपके ऊपर भी होगी। लेकिन अगर आप किसी के पीछे दिहाड़ी वगैरह कर रखे हैं, या कहीं दिहाड़ी का काम कर रखे हैं, या कोई और काम आपने मेहनत मजदूरी के साथ कर रखे हैं, तो आप पकड़ेगा तो आपके ऊपर यकीनन ये कानून लागू नहीं होगा, ये जो कारोबार अपना करते हैं उनके ऊपर लागू होगा। लेकिन आप भी सजा के मुस्तहिक तो हैं, अपने कफील कंपनी को छोड़कर बाहर कहीं काम कर रखे हैं,
हो सकता है आपके ऊपर भी ये कानून लागू कर दिया जाए। लेकिन अभी तक जो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं बकायदा खुद से, उसमें यही लिखा हुआ है कि खुद का कारोबार करता हुआ पकड़ा गया, ना कि खुद से भाई किसी के पीछे दिहाड़ी करता हुआ। हाँ, बहुत सी कंपनी बंद हो गई हैं, कफील रेड हो गए हैं, बंदे कामा नहीं लग रहे हैं, कहां जाए खाएं, कहां से क्या करें, तो वो कहीं से कोई रियाल वगैरह कमा लेते हैं, उसके ऊपर कुछ नरमी की जा सकती है। लेकिन खुद का कारोबार को कर रहा है नजायज तरीके से, तो उसके ऊपर ये फिर 100% लागू होगा। तो एहतियात कीजिएगा, बहरहाल अगर आप आजाद बाहर भी काम कर रहे हैं तो फिर भी एहतियात कीजिएगा।